गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम कवर करेंगे ऑल चैप्टर्स फार्मूले क्लास 10th के लिए, जो आपका एग्जाम 11 को है। उससे पहले हम ये सोच रहे हैं कि आपको पूरे जितने भी फार्मूले हैं उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और समझा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं कैसे हम फार्मूले को करेंगे। और आपको मैथ का पेपर अच्छे से करना है, आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझ के जाइएगा और फार्मूले भी अच्छे से याद करके जाइएगा। फार्मूले बेस भी 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फार्मूले बेस ही हो जाते हैं। आप पूरे क्वेश्चन करके आइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे फार्मूले हैं, आपको अगर 2 नंबर्स के एचसीएफ निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे निकालें, इसको हम पहले बता चुके हैं। हमारा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है और यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको 2 नंबर्स के लिए एचसीएफ कैसे निकालना होगा, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप ये जानते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं ये भी हमने बता दिया कि ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। 2 नंबर्स हो, दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको ए लेंगे, जो स्मॉल होगा बी ले लेंगे। अब 2 नंबर्स के एचसीएफ कैसे, एचसीएफ एलसीएफ कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए रिलेशन होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाय एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एचसीएफ। क्लियर है? ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद चलते हैं हम लीनियर में। लीनियर में क्या होते हैं आप अच्छे से राइट करते हुए चलिए, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर के लिए क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। इसमें क्या होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। सेकेंड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब रिलेशन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है। जब इंटरसेक्टिंग लाइन बोलता है तो आप क्या करेंगे, ए वन अपान ए टू नॉट इक्वल बी वन अपान बी टू नॉट इक्वल सी वन अपान सी टू। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर इन्फिनिटी के लिए कहता है, इन्फिनिटी सोल्यूशन के लिए कहता है, तो ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू और सी वन अपान सी टू। पैरेलल के लिए बोलता है और ये सारे हमारे जो हैं, अब थर्ड हमारा होता है कि ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू नॉट इक्वल सी वन अपान सी टू। ये हमारे किसके लिए होता है कि पैरेलल लाइन के लिए। अब ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत पूछता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है और इन्फिनिटी जो होती है, तीनों इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें क्या होता है, दो दो इक्वल होते हैं और तीसरा क्या होता है, अनइक्वल होता है। आप इसको अच्छे से देख के जाइए। इस बेस पे जरूर क्वेश्चन से आते हैं जिसमें के की वैल्यू पूछी जाती है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और याद करके जाइएगा। आइए चलते हैं अब आगे। ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसमें क्या होता है, रिलेशन डी की वैल्यू अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये फार्मूला होता है हमारा। अब अगर x की वैल्यू क्वाड्रेटिक निकालना हो तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होता है। यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब कितनी वैल्यू हमारे पास है, दो वैल्यू, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, फोर ए सी टू ए। एक बार प्लस लिखेंगे और सेकेंड बार क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे टू ए। ये आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट निकालना हो तो आप एक्स की वैल्यू आप ये फार्मूला डायरेक्ट रखिएगा और दो वैल्यू आपके पास सामने आ जाएगी। अब इसमें दो चीज होती है कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा, डी लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा। अब इसमें क्या होता है कि डी इक्वल टू हम जानते हैं बी स्क्वायर फोर ए सी होता है, इक्वल रियल, अगर रियल रियल रूट होता है रियल रूट, और इसमें क्या होता है, नो रियल रूट रूट, और ये क्या होता है, इक्वल रूट।
ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि अगर डी इक्वल टू जीरो है या इक्वल रूट है तो हमारा कंडीशन क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपसे रियल रूट पूछेगा, जिसका मतलब क्या होता है कि डी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब समझ जाना कि डी ग्रेटर देन जीरो है, निगेटिव आएगी तो डी लेस देन जीरो होगा। अगर जीरो वैल्यू आती है डी की तो क्या हो जाएगा, इक्वल रूट हो जाएगा। आई होप है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में फिक्स है कि इस बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं एपी में, चलते हैं एपी में भी क्वेश्चन कुछ हमारे होते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास सीरीज होती है A1, A2, A3, A4, डैश AN। अब आपके पास अगर सीरीज दी गई है तो इसमें डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपको ये बता चुके हैं। A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2, A4 - A3। आपको अगर डिफरेंस निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। और हमारा टर्म जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा टर्म आप निकालेंगे, एन टर्म इक्वल टू A+N-1 × D, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट टर्म आपको दिया है तो एल इक्वल टू A+N-1 × D आप करेंगे और अच्छे से इसको निकाल लेंगे। यानी कि आप ये टी एन ए एन भी राइट कर सकते हैं, एल इक्वल टू A+N-1 × D। ये सारे फार्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए चलते हैं और आगे चलते हैं, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सम फार्मूला। सम फार्मूला इसमें भी है, अगर आपको सीरीज दिया गया है A1 A2 A3 An, अगर सम फार्मूला पूछे ऐसे N/2 2A+N-1 × D, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ N/2, लास्ट टाइम जो A+L होता है, या SN और N/2 A+AN, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपसे सम फार्मूला पूछे तो आप सम करने के लिए पूछे, जैसे एग्जांपल 2, 4, 6, इसका सम क्या होगा 10 टर्म तक, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, अब आप ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा। ट्रायंगल जो थेलसोरम होता है उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। थेलसोरम जो हमारा होता है, जैसे ट्रायंगल है, ये ए पैरेलल लाइन है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, यानी कि ए बी अपान क्या होता है, सी डी होता है, इक्वल टू ए ई अपान ई डी होता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इस बेस पर क्वेश्चन जरूर आएंगे, जो थेलसोरम प्रूव करने के लिए भी आता है। तो आप अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा, जो बहुत आता है। और सिमिलर जो होता है, सिमिलर ट्रायंगल, वो भी आप देख के जाइएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं जो आपको आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्या करेंगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आपके पास X1 Y1 टू पॉइंट है, हमारे पास X2 Y2 टू पॉइंट है हमारे पास, अगर इनके बीच की डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस फार्मूला जिसे बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोला जाता है, क्या हो जाएगा, X1 - X2 का होल स्क्वायर + Y1 - Y2 का होल स्क्वायर। आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। अब जैसे आपको इंटरसेक्शन फार्मूला कहता है, सेक्शन फार्मूले में क्या होता है कि आपको X1 Y1 टू पॉइंट दिए रहेंगे, X2 Y2। अब ये इसमें क्या रहेगा कि इसको सेक्शन मीन्स डिवाइड करेगा MN रेशियो में, तो X इक्वल टू होता है M1 X2 + M2 X1 / M1 + M2, Y इक्वल टू होता है M1 Y2 + M2 Y1 / M1 +
ये सेक्शन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपको दे दिया जाएगा, 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, रेशियो दे दिया जाएगा, तो पूछेगा एक्स और पॉइंट क्या होगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे बोला जाता है इक्वल डिस्टेंस जो होता है समदूरस्थ। इक्वल डिस्टेंस के लिए, इक्वल डिस्टेंस कैसे, जैसे पी पॉइंट आपके पास है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट एक्स वन वाई वन है, बी क्या है एक्स टू वाई टू है, ये क्या है एक्स और वाई। आपसे पूछा जाए कि इक्वल डिस्टेंस अगर रहेगा ये दोनों एक दूसरे से, तो तब फार्मूला क्या होगा, आप इसको जरूर पढ़ के जाइए, इस पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अब क्या है इसमें, एक्स वन आप ये लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए पी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पी बी, इसका मतलब क्या है, रूट एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस सॉरी वाई माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ये एग्जाम में इस बेस पे जरूर क्वेश्चन आता है, आप इस पे देख लीजिएगा कि आपके पास 2 पॉइंट रहेगा, तो दोनों पॉइंट से दोनों की सेम डिस्टेंस पर एक पॉइंट अलग रहेगा, दोनों में रिले तीनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पी ए बी में क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें और चैप्टर से हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कल अभी ये वीडियो डालेंगे इसके इसके बाद जो फार्मूला है, अभी इसमें ट्रायंगल भी फार्मूला है, ट्रायंगल फार्मूले के लिए एरिया ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल के लिए ए बी सी अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं, तो इसमें फार्मूला क्या होता है, 23 31 12, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई टू, ये आप फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।